हल्का होने के बाद बहुत लोगों को सुकून मिलता है, ये तो आपने बहुत बारी सुना होगा, लेकिन हल्का होने से कोई हीरो भी बन सकता है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ में है, नमस्कार हल्का में आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ में हल्का की कास्ट रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्का 24 में। थैंक यू रिदम। एंड तथा अस्तु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आपका नाम काफ़ी अच्छा है तथा अस्तु, मतलब जब भी कोई बोलता होगा तो ब्लेसिंग, ऐसा लगता है कोई ब्लेसिंग दे रहा है। तो हीरो बन रहे हैं, लाइक एक हल्का होने के बाद हीरो बन रहे हैं, तो आपका क्या कैरेक्टर है, पूरा कैरेक्टर आप मुझे बताएंगे? अगर मैं अपना पूरा कैरेक्टर बता दूंगा तो आप मेरी मूवी देखने कैसे जाएंगे? अगर आप तो उससे बेहतर एक चीज़ है, पैसे निकालिए, टिकट लीजिए, थिएटर में आराम से बैठिए, पॉपकॉर्न खाइए, पेप्सी पीजिए और मेरी आराम से मूवी देखिए, तो ये आपको पता चलेगा। तो आप थोड़ी बहुत तो हिंट दीजिए मुझे, अगर आप हिंट नहीं देंगे तो फिर मूवी देखने कैसे जाऊंगी? अगर मैंने हिंट दे दी तो फिर मतलब वो हिंट थोड़ी देने में आप तो ऐसे फिर पूरी स्टोरी ना ले लो ना फिर। पत्रकारों को सही पहचानने लगे हो बेटा। अच्छा ठीक है, फिल्म में आप हीरो बन रहे हैं, राइट? ये तो कंफर्म है ना, आप ही हीरो हैं फिल्म में। हाँ। तो कैसे बन रहे हैं आप हीरो, पीछे मतलब उसकी वजह क्या है हीरो बनने की? मैंने बोला आप टिकट खरीदिए, मूवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, पेप्सी पीजिए। चलिए पिच को तो हमें कुछ बताने के लिए मंजे हुए खिलाड़ी हैं ये। पर तो हम आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म हल्का मतलब कॉन्सेप्ट ही अगर कोई सुनता है तो समझ में आ जाता है कि किस कॉन्सेप्ट पे ये मूवी है, तो उसके साथ चलते, लाइक जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा है तो ट्रेन के पास में जो जिस तरह से एक नज़ारा रहता है उस बेस पे ये मूवी है कि वो नज़ारा, उसको नज़ारा ना कहें आप, वो मजबूरी है लोगों की मजबूरी, वो नज़ारा नज़ारे के लिए नहीं बैठे वहाँ, वो मजबूरी में बैठे हैं। और फिल्म भी उसी बारे में है कि ये जो मजबूरी है, जो एक हमारी हमारी देश की एक बहुत बड़ी संख्या को सहनी पड़ती है जी। उसी बैकड्रॉप पे ये कहानी है एक छोटे बच्चे की, जो कि खुले में पॉटी करने से शर्माता है, और कैसे उसकी ये वहाँ से एक जर्नी शुरू होती है कि वो इस चीज़ से निकल पाए, और ये फिल्म की ब्रॉडली कहानी है। बाकी जैसे तथास्तु ने कहा टिकट कटाइए और फिल्म देखिए, बट ब्रॉडली फिल्म की कहानी ये है। और बिल्कुल हमारे हीरो फिल्म के पिचकू हैं और इनके पिता का रोल मैं कर रहा हूँ। सो जब आप क्या कहते हैं फिल्म में, आप देख हमने ट्रेलर में देखा है कि पिचकू को आप काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ में आपने रखा है और काफ़ी चीज़ों में आपने उसको डांटा है कि, लेकिन उसके बाद में भी वो कहीं ना कहीं फिल्म के हीरो निकल कर आ रहे हैं, तो उसका मतलब आप क्यों उसे इतना डांट रहे हैं? जरा फिर से बोल दें इनको, शायद पहली बार में सुनाई नहीं दिया। पैसे निकालिए, फिल्म टिकट कटाइए, फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, पेप्सी पिए, फिर मेरी फिल्म देखिए। आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहूँगी, आपका एक कैरेक्टर बिल्कुल जैसे कहते हैं स्लम एरिया में जो बिल्कुल माइग्रेंट लेबर है, वो लेबरर है और रिक्शा चलाता है, बच्चा है, शादी है, घर है, और वही और घर पे टॉयलेट नहीं है, और उसकी हर हर एक आदमी की जो एस्पिरेशंस होती हैं कि किस तरह से आप एक अपनी इनकम उस वर्ग के लोगों की और मध्यम वर्ग के लोगों की भी वही एस्पिरेशंस होती हैं, किस तरह से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम रेज कर सकें, तो मेरे किरदार की भी वही एस्पिरेशंस हैं। बट यही है कि जो उसकी एस्पिरेशंस जो हैं उसमें एक मक्खी गिरी हुई है, क्योंकि इसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं। सो जैसे कि मोदी जी का मतलब कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म उस चीज़ को जोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आप देखिए हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने भी फिल्म को सपोर्ट किया है, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं हमारे, उन्होंने सपोर्ट किया है फिल्म को, बिकॉज फिल्म ना सिर्फ बहुत बढ़िया फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, चिल्ड्रंस फिल्म है, बट फिल्म का जो मैसेज भी है या थीम भी जो है वो भी बहुत अहम है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया है, जिसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, और मानता हूँ कि सभी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ बढ़ के पुश करना चाहिए, बजाय इसके कि जस्ट बिकॉज किसी और पार्टी का है, किसी कोई और प्रधानमंत्री है तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे,
ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देश के फायदे में नहीं है। जिस तरह से पहले मैं पूछना चाहूँगी, जब आपके पास में ये स्क्रिप्ट आई तो वो समय पे मतलब आपको सबसे पहले क्या लगा कि मतलब ये मूवी किस वे में आपने उस चीज़ को समझा? बिल्कुल, जब पहले मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, माधव दा ने भेजी, तब हम कड़वी हवा कंप्लीट कर ही रहे थे, जो इससे पहले फिल्म माधव दा ने बनाई जिसमें भी था मैं। और स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे मतलब इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट, बहुत ही इनोसेंट और प्यारी कहानी थी एक बच्चे की, जिसकी एक ख्वाहिश है कि वो खुले में ना जाए। और माधव दा का एक बेसिक, तब तक मैं उनके साथ एक पिक्चर कर चुका था, तो आई वाज ऑलरेडी क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द वे ही मेक्स हिज फिल्म्स। आई थिंक माधव दा इज़ फ्यू ऑफ द लास्ट यू नो डाइंग ब्रीड ऑफ ओल्ड स्कूल फिल्म मेकर्स, जब फिल्म वाज नॉट डिजिटल। एंड तो उनका जो विजन होता है और उनका जो स्क्रीन प्ले का एक उनका स्क्रीन प्ले प्रेजेंट करने का जो नज़रिया है, वो मैं मानता हूँ बहुत रेयर है, यूनिक है। तो फिल्म की शूटिंग जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली की है, और दिल्ली की है, और वहाँ पे जैसे कि स्लम एरियाज हैं, तो एक रोल प्ले करने से पहले कहते हैं कि एक उस जगह को फील करना ज़्यादा जरूरी, तब तक हम उस कैरेक्टर में नहीं आ पाते, तो उस चीज़ को आपने कितना अपने आप से ही देखा? नहीं, प्रेपरेशन तो इस फिल्म की भी की थी हमने पहले विजिट्स किए थे जहाँ पे हम शूट करने वाले हैं, वहाँ पे वक्त बिताया लोगों के साथ उस माहौल में, उस मोहल्ले में। बट बाकी यही है कि ये कोई किरदार ऐसा, तो मैं कोई ऐसे आइवरी टावर में तो रहता नहीं हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिला ना हूँ या उनके साथ इंटरेक्ट ना किया हो या देखा ना हो। मैंने भी काफ़ी पापड़ बेले हैं देश भर में घूम घूम के, सो कुछ फेमिलियरिटी तो रहती है। तो तथास्तु, आप फिल्म के बारे में तो हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप शूटिंग पे रहे कुछ सीन्स के बारे में बता सके। तो जब आप शूट कर रहे थे तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया, आपके डायलॉग्स में आपकी हेल्प किसने करी, तो आपको किस किसने क्या क्या सिखाया? मुझे, मैं जो शूट पे जिससे इंस्पायर हुआ था वो हमारे डायरेक्टर सर हैं, क्योंकि अगर कोई मेरे से सीन हो नहीं रहा था या कोई डायलॉग में बोल नहीं पा रहा था, वो कितना भी दूर बैठे होते थे वो स्पेशली आते थे, मेरे कान में बोलते थे कि इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे कर दूंगा तो फिर वो वन टेक में हो जाएगा। तो फिर जब मैं उनकी चीज़ फॉलो करता था तो फिर वो मतलब मेरा वन टेक में रहता था। सबके सब बस ये सोचते रहते थे कि सर ने इसके कान में बोला क्या ऐसा कि ये इसने वन टेक में इतना मुश्किल से। तो जैसे आप हमें बता रहे हो कि हम टिकट लें, तो वैसे आपने बाकी लोगों को बताया ये बात? मैंने सबको बोला। नहीं नहीं, सर ने क्या बोला आपके कान में, तो आपने क्या बताया? जो सर ने बोला ये तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी। सर ने बोला होगा नहीं क्या ठीक से ना, तो शॉर्ट के बाद में पड़ेगी, नहीं बताओगे आप? नहीं, वो तो नहीं होता। अच्छा, तो आपको सबसे वो कुछ एक प्राइवेट भी होता है बिटवीन एक्टर डायरेक्टर, आप ऐसे हर चीज़ नहीं आप ऐसे जान सकते हैं ना, करेक्ट ना? ओके, सो सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था, आप करते थे या रणवीर करते थे? वी बोथ आर जोड़ी फॉर द एंटरटेनमेंट। ओ वाओ, वेरी नाइस, जोड़ी हमारी। सो एक बच्चे के साथ में जब हम फिल्म करते हैं तो छोटा बच्चा जब होता है तो थोड़ी चीज़ें समझने में, समझाने में वक्त लगता है, तो तथास्तु का कैरेक्टर उस चीज़ में कैसा रहा? नहीं, तथास्तु बहुत, मैंने आप तो समझ गई होंगी, आपने उसको तीन बार पूछा कि कहानी बताओ पिक्चर की, उसने नहीं बताई, तो वो बहुत मंझा हुआ कलाकार है। अब दो फिल्में कर चुका है, दो ही की है ना अभी तक, हाँ दो ही फिल्में कर चुका है, तो वेटरन हो गया अभी वो, ऑलरेडी उसकी गिनती हो रही है अब यूसुफ साहब के साथ। सो शूटिंग के टाइम पे क्योंकि स्लम एरिया है एंड दिल्ली वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली वो चीज़ टच हो जाती है, तो शूटिंग के दौरान कोई क्या चीज़ टच हो जाती है? अपनी जगह की मूवी हो रही है वहाँ पे शूटिंग। मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बॉम्बे का हूँ। एनीवे, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, वहाँ के रहने वाले लोग, तो उनको एक फील आता है कि हमारे यहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो उनके साथ में आपका इंट्रैक्शन हुआ? हाँ, नहीं नहीं, वहाँ पे जो जहाँ स्लम में, मोहल्ले में हम लोग शूट कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारी, बिकॉज फिल्म क्रू एक जब आता है ना कहीं पे तो वो बिल्कुल फौज की तरह होता है कि अब आ गए 50 लोग वहाँ पे, लाइटें लगेंगी, चिल्लम चिल्ली होगी, तो उसके बावजूद इतना प्यार मोहब्बत से अकोमोडेट करना हम लोगों को और साथ में पार्टिसिपेट करना, सो दे वर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फ्रेंडली।
और वी आर क्वाइट ग्रेटफुल टू देम। सो इस कॉन्सेप्ट पे पहले भी एक मूवी आ चुकी है टॉयलेट जो है अक्षय कुमार जी की, एंड अभी आपकी फिल्म आ रही है हल्का, तो कॉन्सेप्ट भले ही अलग अलग हो लेकिन कहते हैं कि जो मैसेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। देखिए मैसेज कोई मैसेज नहीं है ना, आई अभी ना मैंने वो टॉयलेट एक प्रेम कथा मैंने देखी नहीं है फिल्म, बट इस जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है कोई मैसेज नहीं है, एक कहानी है। अब वो कहानी में आप मैसेज वो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई और मैसेज भी आप चाहें तो उसमें आप दूसरा मैसेज चूज़ करना चाहेंगे तो दूसरा मैसेज मिल जाएगा, बट फिल्म का बैकड्रॉप जो है वो है सैनिटेशन है। सो दीज आर थिंग्स इन कॉमन बिटवीन टॉयलेट एक प्रेम गाथा एंड बट दैट्स अबाउट इट। कहानियाँ तो बहुत अलग हैं। तो जाते जाते आप अपने फैंस को क्या बोलेंगे एंड वो मूवी देखने के लिए किस, मैं जाते जाते क्या कहते जाते मैं अपने फैंस को कहूँगा कि 7 सितंबर को पिचकू की और पिचकू के पापा की और पिचकू की मम्मी की फिल्म लग रही है हल्का 7 सितंबर को सिनेमा घरों में, तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। मैं भी सेम बोलूँगा। सेम नहीं, आप अपने लैंग्वेज में बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो नहीं वही टिकट खरीदिए वो वाला। तो मैं जाते जाते भी यही कहूँगा, टिकट खरीदिए, उसके बाद फिल्म देखिए, फिर आपकी मर्जी है कि आप पॉपकॉर्न खाइए या पेप्सी पीजिए। अभी ज़बरदस्ती नहीं है ना पॉपकॉर्न खाने की? नहीं अभी ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू। लेकिन पॉपकॉर्न खाएंगे तो खुल के आइए। और अगर पॉपकॉर्न खाएंगे, अगर ज़्यादा खा लिए पॉपकॉर्न, तो हल्का के बीच में आपको हल्का होना पड़ेगा।